श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। माँ तारा की साधना। माँ तारा के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, बहुत सारी साधनाएं दी हैं। दूसरी महाविद्या माँ तारा कलयुग में जल्दी फल की प्राप्ति के लिए दो देवियों की साधना की जाती है, एक तो काली और दूसरी तारा, जिनको तारिणी भी बोला जाता है। माँ तारा की साधना, जैसे मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, मैंने पूरा आप लोगों को उसमें कथा बताया था कि कैसे वशिष्ठ मुनि ने माँ तारा की साधना की थी, फिर दूसरे जन्म में फिर बामा खेपा बन के आए बामदेव के नाम से, और उसके बाद उन्होंने माँ को देखा। जो उस वीडियो में मैंने आपको पंचाक्षरी मंत्र के बारे में बोला था, और आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने गेस किया था कि ओम तारा तुरी वाला मंत्र ही पंचाक्षरी है, तो वैसा है नहीं। आज मैं आपको माँ भगवती देवी तारा का पंचाक्षरी मंत्र दूंगा। ये एक मंत्र आपके समस्त साधना के विषयों को सुलझा देगा, आपका एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा साधना में, और साधना आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका जो मानसिक जीवन है, सबको ये व्यवस्थित कर देगा अगर इस साधना को एक साल तक आप कर पाए तो। ऐसे तो जो माँ भगवती देवी तारा का जो मंत्र है, ठीक है, वो त्रयाक्षरी होता है और अंत में उसमें फट लगता है, लेकिन कालांतर में बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हुए जिसके कारण माँ भगवती देवी तारा का मंत्र बदल गया, मंत्र का स्वरूप बदल गया, और साथ में बदल गया उनको उनकी पूजा का जो तरीका है वो। मूलभूत रूप से अगर बोले तो माँ भगवती देवी तारा का जो साधना होगा वो कभी भी, चाहे तो मुंड, पंच कपाल आसन या सवासन पे ही हो सकता है, लेकिन एक आम गृहस्थ साधक भक्ति भाव से भी माँ की साधना कर सकता है, एक साधु के रूप में भी माँ की साधना हो सकती है। तो मैं आज आपको तीन मंत्र बताऊंगा, भगवती के तीन मूल मंत्र आपको बताऊंगा जिससे कि आप माँ की आराधना कर सकते हो। अगर कुछ फल की प्राप्ति के लिए आपको साधना करनी है तो तांत्रिक विधान से आप करोगे, तो फिर आप मंत्र को शुद्ध, जो फिर से शुद्ध किया गया, एक तो शुद्ध मंत्र है जो अति शुद्ध है, फिर उसको शुद्ध किया गया फल प्राप्ति के लिए, और एक मंत्र ऐसा है जो पंचाक्षरी है जो कि आप जाप कर सकते हो, एक साधु लोगों के लिए मंत्र है। तो पहले शुरू करते हैं कहाँ से, पहले शुरू करते हैं कि अगर आप घर में भगवती की साधना करना चाहते हो तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप एक नॉर्मल आसन पर भी साधना कर सकते हो, चाहे वो कूस का आसन हो या मृगछाला, अगर आपके पास पैतृक है तो वो बड़ा उत्तम होता है तारा साधना के लिए। तारा साधना की शुरुआत कैसे करते हैं, तो सबसे पहले उग्र तारा या एक जटा मंत्र जिसको कहते हैं नील सरस्वती महासरस्वती, उनका जो मंत्र है उससे आचमन करते हैं। आचमन का मंत्र क्या है, आचमन का मंत्र है ह्रीम श्रीम हुम, ह्रीम श्रीम हुम फट, ह्रीम श्रीम हुम, ठीक है। अगर ये इसे आचमन करने में दिक्कत हो तो दूसरा मंत्र है, तीन बार आचमन का जल पीना है और फिर हाथ धोना है, तो तीन बार जल पीने में ओम उग्र ताराय नमः, ओम एक जटाय नमः, ओम नील सरस्वत्यै नमः, ऐसा तीन बार आप जल पी करके उसके बाद हाथ धो लेंगे, ठीक है। त्रिम हुम बोल के होंठों को पोछ लेना है, ठीक है, और फट बोल के हाथ धोना है। इसके अलावा बहुत सारा और विधान है, अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर मुझसे संपर्क कीजिए, नहीं तो एक नॉर्मल साधक के लिए ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं। अगर घर में आप करते हैं, मतलब खुद को शुद्ध कर लिया, ठीक है, ज़मीन को उसका जहाँ बैठिएगा उसको ज़रूर शुद्ध कीजिएगा, ज़मीन को थोड़ा सा जल ले लेंगे पहले, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप साधना पर बैठते हैं तो उसको पूजा करने के बाद आपको एक बार उठना चाहिए, ठीक है, और उठ करके और उसके बाद
जिस जगह पे साधना करनी है वहां जाकर के उसको शुद्ध करना चाहिए। तो जल लेकर के जहां जाप करने बैठ रहे हैं माँ तारा का, वहां पर जाइए और जल छीटिए और बोलिए ओम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा, ठीक है। फिर बोलिए ओम पवित्र वज्र भूमे हुम फट स्वाहा इति, ठीक है। ऐसा करने से वो जगह जो है वो पहले शुद्ध होगी और उसके बाद जाग जाएगी। जो लोग साधना करना चाहते हैं, जो लोग मतलब विशुद्ध रूप से साधना करना चाहते हैं, जो जीवन देना चाहते हैं तारा साधना को, तारा के प्रत्यक्षीकरण के लिए, उनके लिए स्थान बताया गया है। तो कहाँ कहाँ आप माँ तारा का पूजा कर सकते हैं अगर आप साधक बनना चाहते हैं, तो एकलिंग शिव मंदिर में आप साधना कर सकते हैं। एकलिंग शिव मंदिर का मतलब क्या होता है? एकलिंग शिव मंदिर का मतलब वो होता है जिसके पांच कोस तक, एक ऐसा शिव मंदिर जिसके पांच कोस तक दूसरा कोई शिव मंदिर ना हो, तो उसको मतलब, और महादेव वहां शिवलिंग के रूप में स्थापित हो, उसको एकलिंग शिव मंदिर कहते हैं। वहां पे आप उपासना कर सकते हैं, शमशान में आप उपासना कर सकते हैं, चौराहे पे आप उपासना कर सकते हैं। अब चौराहा का मतलब आप चौक मत समझ लेना कि जो शहर के चौक होते हैं, वैसा नहीं, मतलब गांव हो, जंगल का चौक हो, उसके बाद आप सवासन मुंडासन पर कर सकते हैं, या फिर कहीं बहता हुआ पानी हो तो जल में गला तक आपका पानी होना चाहिए और तब आप खड़ा होकर के वहां पूजा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसा मंदिर हो जिसको लोगों ने छोड़ दिया है, ये कुछ ऐसे स्थान है जहां पर कि आप माँ तारा का की साधना कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपने जो शुरुआत का विधि बताया वो कर लिया आपने, उसके बाद माँ तारा का ध्यान करना है। जैसे मैंने आप लोगों को काली साधना में बताया था कि काली का साधना जो ध्यान है वो बहुत ज़रूरी होता है, कि किस रूप में आप भगवती को देख रहे हैं ये समझना ज़रूरी है। अगर आप ध्यान ही नहीं कर पा रहे हैं भगवती का, तो फिर आप उनकी पूजा नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले मन में एक पीठ के बारे में सोचना है कि माँ कहाँ विराजती है। तो सबसे पहले आपके नज़र के सामने आना चाहिए, आपके चक्षुपटल पर एक शमशान भूमि का आपको भावना करना है, और उस शमशान के बीच भूमि के बीच में एक कल्प वृक्ष है, ठीक है। उस वृक्ष के नीचे बहुत सारे रत्न आभूषण मणि युक्त एक मणि पीठ है, मतलब बैठने का जगह, और उसके चारों तरफ मुनि हैं और जो साधु हैं वो उसको घेर के बैठे हुए हैं, ठीक है। शमशान है, शिव के जो गण है वो मांस अस्थि ये सब जो है वो सब खा रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। चारों ओर मुंड है, चिता के अंगार चारों तरफ है, और उसके बीच में माँ भगवती विराज रही है, ठीक है। माँ भगवती देवी तारा जैसा स्वरूप मैंने आपको इस वीडियो के टाइटल में दिया है, उस स्वरूप में माँ भगवती देवी तारा वहाँ विराजती है, ठीक है। ऐसा आपको सोच लेना है। अब आते हैं मंत्र पर। देखो मैंने पहले बताया कि मंत्र शुरुआत में जो था और जो बाद में आया उस दोनों में अंतर हो गया। आपको पहले की कहानी याद होगी कि वशिष्ठ मुनि को पहले जन्म में माँ ने दर्शन नहीं दिया, दूसरे जन्म में वामाख्यपा के नाम पर जन्म दिया, तो वशिष्ठ मुनि ने माँ भगवती के मंत्र को किलित कर दिया। तो जो पहला मंत्र है माँ भगवती देवी तारा का वो है ह्रीम त्रिम हुम फट, ह्रीम त्रिम हुम फट, ठीक है। मतलब माया बीज है, ठीक है, कुर्च बीज है और अंत में फट है, तो ह्रीम त्रिम हुम फट, ये प्योरेस्ट मंत्र है माँ भगवती देवी तारा का। लेकिन क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने इनको किलित कर दिया था इस मंत्र को, तो फिर इस मंत्र का प्रारूप बदल गया और एक सौ जुटा इस मंत्र में। तो सौ जुट करके ये मंत्र हो गया ओम, नहीं पहले ओम नहीं लगा, ह्रीम त्रिम हुम फट। तो हुम ह्रीम त्रिम हुम फट के बदले मंत्र हुआ ह्रीम त्रिम हुम फट। ये मंत्र क्यों आया? क्योंकि जब वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया तारा को, तो तारा लाभ
किसी को भी किसी भी उपासना का फल देने में वो असमर्थ हो गई। तो अगर आपको फल की प्राप्ति नहीं करनी है और सिर्फ तारा का ध्यान करना, माँ भगवती का सिर्फ उनको प्राप्त करना है, तो आप बिना इस सुधार के स्त्रिम के जगह त्रिम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको पंचाक्षरी किया गया, ठीक है, और पंचाक्षरी मंत्र को फिर और शुद्ध माना जाने लगा। तो पंचाक्षरी मंत्र जो मैंने पहले भी बोला था कि महाशंखमाला से पंचमुंडी आसन पर जब इसका जाप होता है तो माँ तारा के दर्शन होते हैं, वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रिम हुम फट। यही मंत्र आपको भी जाप करना है, ओम ह्रीम स्त्रिम हुम फट। फिर से सुनिए, ओम ह्रीम स्त्रिम हुम फट। तो इस मंत्र में क्या है कि इस मंत्र में जो श्राप था इस मंत्र पे, उस श्राप को हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस मंत्र को अगर आप लोग करेंगे एक साल तक और जो विधान बताया है उसके हिसाब से, ऐसे जो एक जटा मंत्र है ना वो ह्रीम स्त्रिम हुम ही है, और जो साधु जन होते हैं ना वो ह्रीम स्त्रिम हुम जो त्रयाक्षरी है उसी का जाप करते हैं, ठीक है, क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र पे बहुत ज्यादा घमासान है। साथ में ही अगर इसी को आप सिर्फ ओम ह्रीम स्त्रिम हुम फट करें तो यही नील सरस्वती का भी मंत्र माना जाता है, और उग्र तारा और महानील सरस्वती का मंत्र जो है वो ह्रीम स्त्रिम हुम फट, मतलब चार अक्षर का जो शुरुआत में आपको मंत्र बताया वो है, ठीक है। तो ये है, ये साधना का पहला स्टेज होता है जिसमें माँ भगवती पर ध्यान और मंत्रों का जाप किया जाता है। आगे का विधान फिर आगे बताऊंगा। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से, और rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। अपॉइंटमेंट के लिए www.aghortantrahasya.xyz है। कुछ बहुत विशेष बात हो तो मेरे WhatsApp पर 9431188585 पर आप WhatsApp कर सकते हैं। एक मैसेज करें, धारा प्रभा मैसेज ना करें और कॉल ना करें, वैसे मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। माँ तारा आप लोगों पर कृपाए बरसाए रखे ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलाक आदेश।